जहां एक तरफ से बढ़ते हुए कोरोना के मामले, वहीं दूसरी तरफ सरकार का फैसला बैक टू विलेज थर्ड कराने का, और उससे पहले यूमे ब्लॉक या ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम कराने के फैसले से जो है वो लोग काफी परेशान हैं। और लोगों का ये सोचना है कि शायद जो है वो रूरल एरियाज में जो है कोरोना के काफी केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन काल पाडर ब्लॉक में सरपंचेस और लोगों के बीच में कहा सुनी हो गई और काफी टूटू मेमे हो गई, जहां पर एसडीएम पाडर जो है उसको भी इंटरफियर करना पड़ा। जो लोग हैं उनका सरपंचेस पर और पंचेस पर इल्जाम था कि उन्होंने ब्लॉक के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जो नरेगा मटेरियल की पेमेंट निकाली है उसमें उन्होंने जो है वेंडर्स अपने करीबी लोग या अपने करीबी रिश्तेदार रखे थे, जबकि जो पैसा गरीब लोगों को मिलना चाहिए था वो उनको जो है नहीं मिला। इसके बाद काफी तूतू मेमे और बहस के बाद जो है वो सीनियर ऑफिशियल ने इंटरवीन करके उस मसले को कई हद तक रोका, लेकिन लोगों में जो है वो अभी भी जो है नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने हमें बताया कि जो सबका वीडियो ट्रांसफर से पहले जो है उन्होंने 14th एफसी में अपनी मिसयूज अथॉरिटी करके, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर थी तो उसने जो है वो वहां पैसे निकाले, और इसके अलावा अपने ऑफिस के लिए भी और अपने ऑफिशियल जो एकोमोडेशन है उसके लिए भी लाखों रुपए जो है वो निकाले, जबकि आज जो है वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। लोगों का कहना है कि वो आला हुकाम से डिमांड करते हैं कि जो पाडर ब्लॉक में मटेरियल की पेमेंट हुई है और जो 14th एफसी में पेमेंट हुई है, जिन पर सरपंचेस और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक कमीशन बिठाकर इंक्वायरी की जानी चाहिए। मैं आसिफ नायक, जेके न्यूज टुडे के लिए।